देख वो राहुल आ रहा है। अरे इसकी बाइक तो देखो, पर इसने माल अच्छा पटा लिया है। चलाने दे इसे, मजे लेते हैं इसके साथ। क्यों मनीषा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस कुतिया पे घूमती रहती हो इसके साथ। शर्म तो आती है यार। यार तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या कमी है मेरी इस बाइक में? पता ही है मेरे पिताजी ने मुझे मेरे बर्थडे पर दी थी। पहले तो तू इसे बाइक मत बोल। बाइक पता किसे कहते हैं? मेरे पास है अपाची 164V। इतने की उसकी हेडलाइट है, ऐसी खटारा उसमें चार आएंगी। समझ में आया? हम सभी के पास महंगी महंगी बाइक है, KTM, पल्सर, बुलेट। अरे यार मनीषा, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू भी इस गरीब फटीचर के साथ घूमती रहती है। तू हमारे साथ आ जा, हम तुझे घुमाएंगे बढ़िया बाइक बढ़िया कार में। चलो मनीषा, हम लोग लेट हो रहे हैं, चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। अरे देखो इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हो गया। राहुल सुनो, अब मैं तुम्हारे साथ इस खटारा पे नहीं घूम सकती। तुमने देखा ना, तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई। या तो अब तुम नई बाइक ले लो, या तो आज के बाद मुझसे मत मिलना। पर यार अब मैं उनसे ऐसे बाइक कैसे मांग सकता हूँ? उनके पास इतने पैसे कहाँ हैं? देखो तुम उनसे ये कहना कि मेरे कॉलेज में सभी बच्चे अच्छी बाइक लेके आते हैं, ऐसी खटारा से नहीं आते। और वैसे भी ये बहुत धीरे चलती है, इसलिए मुझे कोई नई महंगी बाइक दिलवा दो, कह दो। और अगर तब भी ना माने तो खाना पीना छोड़ देना, फिर तो वो जरूर मान जाएंगे मैं भी अपने घर में ऐसी करती हूँ। अब जाओ, अपनी जिद पे अड़ जाना, वो नई बाइक के लिए पैसे जरूर दे देंगे। ठीक है। चलो ठीक है, तुम निकल जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी। बेटा आ गया तू? मेरी थोड़ी सी मदद करवा दे, जल्दी निपट जाएगा मेरा काम। नहीं, नहीं करना मुझे ये काम। बेटा क्या हुआ, आज तेरा मूड क्यों खराब है? पिताजी मुझे नई बाइक दिलवा दो, अब मैं तभी कॉलेज जाऊंगा। बेटा मेरे पास अब पैसा नहीं है, जो था उससे मैंने तुझे पुरानी विक्की बाइक दिला दी। मुझे नहीं पता कुछ भी, अब या तो मुझे नई बाइक दिलवाओ वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगा और घर से भी चला जाऊंगा। चल तू परेशान मत हो, थोड़ी फसल बेच कर जो पैसा मिलेगा और कुछ पैसे प्रधान जी से उधार लेकर मैं दिलवा दूंगा। ठीक है पिताजी। देखो दोस्तों, मैंने नई बाइक ले ली, बताओ कैसी है? बहुत बढ़िया। हाँ भाई मजा आ गया, चला पार्टी तो दे दे। पर भाई अब मेरे पास पैसे नहीं है। तो यार तुम अपने पिताजी से मांगो ना, मैंने तुम्हें आइडिया दिया तो था, पिताजी से कैसे पैसे ऐंठने हैं। पर यार हर बार ऐसे करना ठीक रहेगा? अरे यार ठीक रहेगा, तेरे पिताजी कमाते किसके लिए है? तेरे लिए। अगर तू उनकी कमाई से खर्च नहीं करेगा तो फिर क्या पड़ोसी के बच्चे खर्च करेंगे? हाँ यार कह तो तू सही रहा है, चल मैं अभी जाता हूँ पिताजी के पास। अरे यार तो इसके साथ कहाँ रहती है, चला गाड़ी में घूमने चलते हैं। पिताजी मुझे 1000 रुपये चाहिए। क्यों बेटा, तेरी फीस तो 10 तारीख के बाद जाती है और अभी तो मेरे पास पैसे हैं भी नहीं। मुझे कुछ नहीं पता पिताजी, मुझे 1000 रुपये चाहिए,
मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, मैंने वादा कर दिया है। पर वादा करने से पहले तेने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैंने बाइक भी तुझे कर्ज लेकर दिवाई। अगर पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते तो मैं किसी से कर्ज भी ले लेता, लेकिन पार्टी के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। वैसे भी तेरे दोस्त तो अमीर घर के हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनके सामने हम बहुत गरीब हैं। मैं तो अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई पूरी कर नहीं पाया, पर मेरा सपना है कि तुझे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाऊँ और तू बड़ा अधिकारी बने और मेरा नाम रोशन करे। पिताजी, जब आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे तो मुझे जन्म लेते ही मार देते, जिससे आज मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अपने सपनों का बोझ मुझ पर डालते रहोगे, खुद तो आप अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, और अब मेरी जिंदगी भी मुझे अपनी मर्जी से नहीं जीने दे रहे। सुन बुड्ढे, आज आखिरी तारीख है तेरे पैसा लौटाने की। अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे। आइए प्रधान जी, अकेले में बात करते हैं। अकेले में नहीं, यही बताऊंगा तुझे तेरे बेटे के सामने। आज 6 महीने से मेरे पैसे नहीं दे रहा है तू। जब तेरे पास पैसे नहीं है तो क्यों पढ़ा रहा अपने बेटे को इतने महंगे स्कूल में? और ये नई स्प्लेंडर बाइक, जरूर तूने ये बाइक लड़की घुमाने के लिए ली होगी। शौक तो देखो इनके, मेरे पैसे देने में तेरी नानी मर रही है, और बेटे को अय्याशी कराने के पैसे हैं तेरे पास। चौधरी साहब, कितने पैसे हैं आपके? 1 लाख रुपए उधार लिए थे तेरे बाप ने, और 20,000 का ब्याज, पूरे 1,20,000 रुपए लौटाने। चौधरी साहब, आप मुझे 3 दिन का वक्त दे दो, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। 3 दिन में तेरी भैंस भी आएगी या बैंक लाए कहीं से काट के, जो मुझे 3 दिन में पैसा लौटा देगा? पैसा मुझे आज चाहिए, वरना बेटा मार खाओगे। प्रधान जी, बस 3 दिन का वक्त दे दो मुझे, अगर मैं 3 दिन में आपके पैसे नहीं लौटा पाया तो जो सजा दोगे वो मंजूर है मुझे। ठीक है, तो 3 दिन में पैसे घर पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो सारे गांव के सामने तुम दोनों बाप बेटों की नाक रगड़वाऊंगा। जी प्रधान जी। ठीक है, देखता हूँ तुम्हारे 3 दिनों को भी। पिताजी, मुझे माफ कर दो, आप मुझे पढ़ाने के लिए कर्ज में डूबते रहे और आपने मुझे खबर तक नहीं लगने दी। मैंने हमेशा आपके साथ बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी आपने कभी मेरी पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं खूब मेहनत करूँगा, खूब पढ़ाई करूँगा और बड़ा अधिकारी बनूँगा। बेटा, मेरा यही सपना है कि तू बड़ा अधिकारी बने और गरीबों की मदद करे। ये बता, प्रधान जी के 3 दिन में पैसे कैसे लौटाएगा? वो पिताजी, मैं ये बाइक बेच दूंगा और बाकी पैसे अपने दोस्तों से उधार ले लूँगा, और बाद में मैं उनके भी पैसे लौटा दूँगा। पर बेटा, तूने ये बाइक कितनी खुशी से ली थी, तू इसे मत बेच, हम कहीं और देख लेते हैं, शायद कोई मदद कर दे। नहीं पिताजी, बाइक हम फिर से ले लेंगे, लेकिन अगर एक बार इज्जत चली गई तो फिर वो वापस नहीं आएगी, इसलिए आप मुझे बाइक बेचने से मना मत करो। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। यार, आईफोन 12 प्रो लेने जा रहा हूँ कल, तुम्हें पता है 1.5 लाख का फोन है वो। अच्छा यार, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दिलवा देना यार। हाँ दिलवा दूंगा, पर तू उस राहुल गरीब से दोस्ती तोड़ दे, तू बस हमारे साथ आ जा, फिर तेरी फुल मौज रहेगी। तेरे यार पर पैसा बहुत है। सोच, हमारे पास महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगी महंगी बाइक है, और क्या चाहिए होता है लड़कियों को। हाँ यार, मैं भी यही चाहती हूँ, बस कोई ठीक सा बहाना मिल जाए, मैं राहुल को छोड़ दूंगी। अरे तुमने उस फटीचर का नाम लिया, देखो वो आ गया। अरे तुम यहाँ कैसे? अरे ऐसे ही बस, तुम तो कल पार्टी देने आए नहीं, इसलिए आज हम सारे यहाँ आ गए हैं। बताओ कहाँ चलना है? यार बात यह है कि पैसे नहीं हो पाए। क्यों, पैसे तूने अपने बाप से मांगे नहीं? पिताजी के पास पैसे नहीं थे यार, पिताजी पे 1.5 लाख का कर्ज है, इसलिए मुझे अपनी बाइक भी बेचनी पड़ी। यार तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। अबे यार, सारी बुद्धि की माँ बहन कर दी इसने, पार्टी तो दी नहीं, उल्टे पैसे मांगने और आ गया। तुम गरीब लोगों की यही आदत है, अमीर आदमी देखते ही हाथ फैला देते हो। यार भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, उधारी तो मांग रहा हूँ, तुझे पैसे नहीं देने तो मत दे, लेकिन हम गरीब लोगों को गाली क्यों दे रहा है? यार तुम ही दिला दो अपने पिताजी से, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। राहुल देख, मैं तेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, बस तू मेरा प्रोजेक्ट बना देता था इसलिए मैं तेरे साथ थी। और रही बात पैसे उधार देने की, तो हमारा एक ही उसूल है, आज नगद कल उधार, इसलिए ना तो अब मुझसे पैसे मांगना ना ही अपनी शक्ल दिखाना। चल अब जाए यहाँ से।
एक दिन और बचा है, अगर प्रधान के पैसे नहीं लौटाए तो वो पिताजी की बेइज्जती करेगा। कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसा करता हूँ, इसे छीन लेता हूँ, कम से कम अपने पिताजी को बेइज्जती से तो बचा लूँगा। प्रधान के पैसों का जुगाड़ तो हो गया, पर पता नहीं वो इंसान किस काम से इन पैसों को लेकर जा रहा था। ऐसा तो नहीं है कभी उसे मुझसे भी ज्यादा इन पैसों की जरूरत हो। ऐसा करता हूँ, चौधरी से थोड़ा टाइम और मांग लेता हूँ, वरना दूसरे का काम बिगाड़ कर अपना काम बनाना ये मुझसे नहीं होगा। सर मैं वही हूँ जो आपके पैसे का बैग लेकर भागा था। आओ बैठो। हाँ जी, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें चोरी करनी पड़ी? शकल से तो तुम नेक इंसान लगते हो। सर वो हुआ ये। ठीक है, तो 3 दिन में पैसे घर पहुँच जाने चाहिए, नहीं तो सारे गांव के सामने तुम दोनों बाप बेटों की नाक रगड़वाऊंगा। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो दिमाग में ये गलत ख्याल आया, और साहब मैं आपके पैसे लेकर तो भाग गया, पर साहब हम गरीब आदमी हैं, हम बस इज्जत के भूखे हैं। चोरी चकारी ना हमसे होती है और ना हमारी आत्मा चोरी करके खुश रहती, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे लौटाने का फैसला किया। साहब लो ये पैसे और हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। हाँ तो राहुल, जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? सर मेरा और मेरे बाबूजी का सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और अपने गांव और जिले का नाम रोशन करूं। पढ़ाई में तो मैं अच्छा हूं, पर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे डर लगता है कभी कभी कि मेरा ये सपना कैसे पूरा होगा। देखो मैं गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हूँ, मैं जानता हूँ कैसे एग्जाम में अच्छे ढंग से पढ़ना है, इसलिए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, टिप्स भी दूंगा, जिससे तुम एग्जाम भी क्लियर करोगे और IAS भी बनोगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल से ही आपके पास आता हूँ। ठीक है। नमस्ते सर, सर मेरा रिजल्ट आ गया है और मेरी रैंक 33 आई है। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, आज मैं बहुत खुश हूँ। सर ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। राहुल जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम अच्छे इंसान तो थे ही, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा भी रखते थे। जी थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ मनीषा, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? यार साइड पर एक मजदूर मर गया, DM ने आकर टेंडर कैंसिल कर दिया, डैडी तो हिम्मत हार चुके हैं, मैंने सोचा मैं ही जाकर मिलती हूँ DM से। ठीक है मैं भी चलता हूँ DM के पास, मैं भी देखता हूँ कैसे पास नहीं करता है टेंडर। एक घंटे से हम बाहर वेट कर रहे थे,
हमें अब आने दिया है। क्या हमारा टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है? तुम्हें हमारी सेवा के लिए इस कुर्सी पे बिठाया गया है या वेट करवाने के लिए? आवाज नीचे। अरे राहुल, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल मी सर, राहुल सर। और क्या कहा तुमने? तुम्हारी सेवा के लिए मुझे यहाँ बिठाया गया है? मैं यहाँ गरीब, दीन दुखी, किसानों और मजदूरों की सेवा के लिए बिठाया गया हूँ, ना कि तुम जैसे चोरों की सेवा के लिए। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। सरकारी टेंडर में नकली सीमेंट मिलाकर साइट पे काम करवा रही हो, जिसकी वजह से वो दीवार गिरी और उस बेचारे मजदूर की मौत हो गई। तुम्हें क्या लगता है गरीब की जान का कोई मोल नहीं होता? तुम मेरे पास यही सोच कर आए हो ना? तुम मुझे कुछ रिश्वत दोगे और फिर मैं तुम्हारा टेंडर पास कर दूंगा, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। पर तुम डीएम बने कैसे? तुम्हारी मदद किसने की? तुमने क्या सोचा, तुम्हारे पास पैसा है तो हम गरीबों के पास कुछ नहीं है? हमारे पास भगवान है और वो हमारी मदद जरूर करता है, अगर हम मेहनत करें तो। अच्छा एक बात बता, ये नमूना अपने साथ क्यों लाई है? ये कह रहा था कि मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ कि डीएम टेंडर पास कैसे निकलता। इधर आओ। माफ कर दो राहुल सर, प्लीज। मेरे डैडी बहुत परेशान है घर पर। जब मैं तुमसे प्यार करता था तो तुम इन लोगों के बहकावे में आ गई थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपने पिताजी से जबरदस्ती बाइक ली। कर्ज की वजह से चोर तक बन गया मैं। खैर, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम जैसी लड़कियों से प्यार करने का मतलब सांप के बिल में हाथ डालना। अब निकल, चल दफा हो। बजाओ गाना। जा, दफा हो जिंदगी जो मेरी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हम दूसरे के बहकावे में आकर अपने पेरेंट्स से अलग अलग डिमांड करने लगते हैं, जो उनके बजट से बाहर होता है। ऐसे में पेरेंट्स को टेंशन तो होती ही है, हम भी गलत काम करने लग जाते हैं, जैसे चोरी चकारी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें, ज़िंदगी में मेहनत करें। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, यही हमने वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जल्दी बताओ, लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मुझसे बात करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैसेज करें, मैं आपके सभी मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।